हुकूमत महांगाई की मारियल आवाम मथा एक बो इलेक्ट्रिक बम किरा छो नेफरा बिजली की कीमत में 3 रुपया 76 पैसा फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दई छी। इजाफो 3 माही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया वो। बिजली के अघन में इजाफो जून जुलाई अगस्त में लाए होंद नेफरा फैसलो अमल दरामद लाए वफाकी हुकूमत के माने छो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हुक्म नज़रअंदाज, पेट्रोलियम शयुनि की कीमतुनि में मामूली घटताई। पेट्रोल की कीमत में 4.74 रुपया फी लीटर घटताई कई वही। पेट्रोल की नई कीमत 268.36 रुपया फी लीटर मुकरर। डीजल की कीमत में 3.86 रुपया फी लीटर घटताई का पोए डीजल की नई कीमत 270.22 रुपया फी लीटर मुकरर। नाणे वाली वजारत गासलेट 1.87 रुपया फी लीटर सस्तो कर छो जैंखा पोए गासलेट की नई कीमत 171.61 रुपया फी लीटर थी वही। वज़ीर आज़म पेट्रोल की कीमत में 15.40 रुपया डीजल की कीमत में 70.90 रुपया फी लीटर घटताई जो हुक्म दिनो हो। एंटी करप्शन के अगोने चेयरमैन फरियाद जुड़े के पारा एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट में करप्शन जा सिरकाइंदड़ इंकशाफ अगोने चेयरमैन फरियाद जुड़े जो इल्ज़ाम रिहाइंद एंटी करप्शन में बदले नई मुकररन ते एक खानगी मानू शहरियार महर सिस्टम हलाय रो है। वजीर से मुलाकात कई तो वो शहरियार महर भी उतरे मौजूद हो पर मु करप्शन सिस्टम में मुलवस का इनकार ईद का अग रिश्वत तौर मुख्य एक लिफाफो दिनों वो मु डायरेक्टर के लिफाफो वापस कर। डायरेक्टर एंटी करप्शन ऑफिस में करप्शन बाजार गर्म लगी पई है। हर महीने 6 से 7 करोड़ रुपये की करप्शन पई थिए। डायरेक्टर थोड़े शहरियार महर तास हो। डिप्टी डायरेक्टर से मुकरन से 15 लख रिश्वत वरती। सर्कल ऑफिसर के मुकरन से 5 से 10 लख रुपया रिश्वत वसूल की गई। एंटी करप्शन वाले वजीर के तर्जमान अहदे त हटायल एंटी करप्शन के अगूणे चेयरमैन फरहत जुड़े के इल्ज़ाम के बेबुनियाद करार दे रद्द कर छो। तर्जमान जो चवण है जैसे सिंध हुकूमत फरहत जुड़े के बदली कर इल्ज़ाम लगान शुरू कर दिना। फरहत जुड़े जो जैसे अहदे से हो तदें बयान छो न दिनों। सीनियर ऑफिसर के अड़े गलत बयान से अफसोस थो उन जांच कराई वी। फरहत जुड़े जो नको खत सूबाई वजीर के लिखो है नई ऑफिस के मिलो है। फरहत जुड़े के गुजल बिन महीन में खाते लाए न कानून साजी कई नई के बेहतरी लाए कदम खया। फरहत जुड़े के एंटी करप्शन खाते की बेहतरी लाए जो हदफ दिनों वो उन भी को नतीजो न दई सको। सीनियर ऑफिसर थी करे अड़े किस्म की हरकत करण से फरहत जुड़े की अहलियत दिमागी हालत जो अंदाजो लगे सकजे तो। हैदराबाद के फरीदाबाद में गैस सिलेंडर है धमाके में जख्मी थे बजना हया फोत की हयात विजाइंदड़न जो अंग नव थी। कराची में सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में बिन जख्मी ने 10 वरन के आसान जुल्फकार दम दिनों। 10 मरीजन जो इलाज हलंदड़ 4 जख्मी की हालत गणती जो बुधाई पी वे। गैस सिलेंडर दम फाटने वाले वाक़े से सोग में कारोबार बंद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बाजार में तलावत जो एहतमाम मुतासरन से यकजहती जो इज़हार। व्यापारी अगवान जो चवण है व्यापारी बिरादरी दुख की नगड़ी में पौतने जख्मी के वारसन से गड है। पाकिस्तानी कौम ए फौज दहशतगर्दी खिलाफ जंग में कुर्बानी की तारीख रकम कई है। दहशतगर्दी के चैलेंज के मोड़ लाए गडियल हिकमत अमली अख्तियार करने की जरूरत है। वफाकी घरू वजीर मौसन नकवी जो बरतानिया के दौरे दौरान गालू। घरू वजीर नेशनल क्राइम एजेंसी फॉरन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस काबीना ऑफिस सिचुएशन सेंटर जो दौरों कर मुलाकातों दौरान दहशतगर्दी दोहन की रोकथाम साइबर सिक्योरिटी के तनाजुर में मामलत ख्याल की डेवट कई वही। मुनशियात साइबर क्राइम गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम लाए भाईवारी बढ़ाने तफाक।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अज का अमेरिका में शुरू थी रो है। वर्ल्ड कप की इफ्ताही तकरीब न्यूयॉर्क में थी। मेगा इवेंट की पहली मैच अज अमेरिका कैनेडा विच में खेली वी जडे त बी मैच में वेस्ट इंडीज पापुआ न्यूगिनी विच में ग्याना की मैदान से खेली वी। पाकिस्तान की पहली मैच अमेरिका से शजून से डेलास में खेली वी। पाकिस्तान की बी मैच पांजे रिवायती हरीफ भारत से 9 जून से न्यूयॉर्क में थी। खैबर पख्तूनख्वा जो गवर्नर हाउस कें भी साजिश जो गढ़ न बणजंदो। मर्कज ए सूबे विच में पुल जो किरदार अदा कंदुस। वफाक जी नुमाइंदे जी हैसियत से सूबे जो केस विढ़ण मुझी जिम्मेवारी है। केपी जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी जो लाहौर में मीडिया से गालियों संदस चवण है तो असो वो वजीर पिशावर में बया जलसन में बया बयान दई रो है। अड़न बयान से कदें भी मसलन जो हल न निकरंदो। 9 मई के जवाबदार के केफर किरदार तीन पहुंचाण घुर्जे। मास्टर माइंड के सब का पैर सजा थियण घुर्जे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वफाक गाजी वाले शहर में अदालती हुकुम बावजूद मकानी चूंडू न कराने बाबत गुजरियल बुधनी जो लिखित में हुक्मनामो जारी कर छोड़ो। हुक्मनामे में चाहिए वो है तो हुकूमत इस्लामाबाद के मकानी चूंडन में देर लाए रांद खेली रही है। मुख्तलिफ़ वजारतन इदारन विच में हम आहंगी में जो फुकदान मकानी चूंडन में देर जो बहानो नथो थी सके। ये आईन सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ़ फैसलन की भंजा खड़ी है। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गुम थी वेल शहरी के बाजियाब कराए सिंध हाई कोर्ट में पेश कर वो। अदालत बेन शहरियों की बाजियाबी लाए भी कार्रवाई जारी रखने की हिदायत करी। 2016 का गुम थी वेल शहरी परवेज समेत बेन मानुन की बाजियाबी बाबत दरख्वास्तन ते बुधनी जस्टिस नेमतुल्ला फलपोटो की सरबराही में बरुकनी बेंच कई।